everyone, welcome to my YouTube channel Serviceonwheel. आज मैं आपको वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग कैसे करें इसके बारे में बताने वाली हूँ. वॉशिंग मशीन में हम अक्सर कपड़े तो धोते हैं पर उसकी क्लीनिंग पर ध्यान नहीं देते. इसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देने वाली हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन यूज़ करते करते उसमें बैक्टीरिया और फंगस जनरेट होने का डर रहता है, जिसके कारण हमें मशीन की भी केयर करनी चाहिए, जिससे कपड़े वॉशिंग के बाद भी हमारे कपड़े हाइजीन रहें. इस वीडियो के अंत में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगी कि हम कैसे सालों सालों तक हमारी वॉशिंग मशीन को ठीक रख सकते हैं और हम साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी कर सकते हैं. वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग के लिए हम सबसे पहले टब में 3/4 टब को ल्यूक वार्म वाटर से भरेंगे. इसमें 1 कप विनेगर, 1 स्पून बेकिंग सोडा, 1 स्पून लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे. इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे. उसके बाद मशीन का ढक्कन बंद करेंगे और हम मशीन ऑन करेंगे. हमारी मशीन में टब क्लीनिंग मोड है, इसको हम टब क्लीनिंग मोड को सेट करेंगे. ये टब क्लीनिंग मोड 2 आवर्स के लिए सेट हो गया है. यदि आपकी मशीन में टब क्लीनिंग मोड नहीं है तो आप नॉर्मल वॉशिंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कि 2 आवर्स के लिए टब क्लीनिंग मोड हो चुका है. उसके बाद हम लिंट फिल्टर निकालेंगे. लिंट फिल्टर में हमारे कपड़ों के बहुत सारे रेशे, गंदा कचरा, डस्ट, ये सभी जमा होता है. इसको एक टूथब्रश की मदद से हम साफ़ कर लेंगे. गर्म पानी और टूथब्रश की मदद से इसको हमको हल्के हाथ से घिसकर साफ़ करना है. इसके लिंट फिल्टर के चारों तरफ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी डस्ट जमा होती है. इसको हम सूखे कपड़े से साफ़ कर लेते हैं. इसके बाद एक मग में हम लिक्विड डिटर्जेंट, थोड़ा सा पानी लेकर एक टूथब्रश की मदद से या किसी भी बड़े ब्रश की मदद से चारों तरफ, टब के चारों तरफ अंदर साइड में हम ये लिक्विड लगाएंगे. चारों तरफ अच्छी तरह से घिसकर हम इसको लगाएंगे. आपको इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, नहीं तो स्क्रैच पड़ जाएंगे मशीन में आपकी. हल्के हाथों से लगाइए इसको. इसमें बहुत बारीक बारीक डस्ट और रेशे जमा होते हैं. इसको लगाने के बाद हम एक सूखे कपड़े से इस मशीन को अंदर से पोंछ लेते हैं. इसके बाद डिटर्जेंट डिस्पेंसर निकालेंगे. डिटर्जेंट डिस्पेंसर में कई बार डिटर्जेंट जमा रह जाता है, जिसको हम एक टूथब्रश और पानी की मदद से साफ़ करेंगे. इसको निकाल लीजिए. जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि इसको मैं साफ़ कर रही हूँ सूखे कपड़े से, इसको आप पानी की मदद और सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर लीजिए. इसके अंदर पार्ट में भी काफ़ी डिटर्जेंट जमा रहता है, तो आप इसको निकाल के अच्छे से साफ़ कर लीजिए. ये वाटर इनलेट है, इसमें एक छोटा सा फिल्टर रहता है. इस फिल्टर को सावधानी से आप निकालिए. इसमें कई बार पानी के साथ साथ कुछ जमा हो जाता है. इसको एक सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से और पानी की मदद से इसको साफ़ कर लीजिए. ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा सा फिल्टर है ये. इसको बहुत सावधानी से साफ़ करना पड़ता है. ये देखिए आप, इसको साफ़ करने के लिए टूथब्रश से आप हल्के टूथब्रश से साफ़ कीजिए. ये सभी चीज़ें मेरी साफ़ हो गई हैं. उसके बाद इन सबको एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए. ये डिटर्जेंट डिस्पेंसर है, इसको भी आपने साफ़ करने के लिए सूखे कपड़े से पोंछना है. लिंट फिल्टर को सूखे कपड़े से पोंछना है और हमारा वाटर इनलेट वाला फिल्टर को भी आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए. सभी चीज़ों को अपनी जगह फिट कर दीजिए. इसका इसके बाद मैं लिंट फिल्टर को साफ़ करने के बाद इसको फिट कर रही हूँ वापस अपनी जगह.
मशीन को हमने अंदर से अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लिया है। इसका ढक्कन बंद कीजिए और इसके बाद में हमारी मशीन अच्छे से साफ हो गई है। हमने वाटर डिस्पेंसर का भी लगा दिया है, वाटर इनलेट वाला भी फिल्टर हम सावधानी से लगा देंगे और हमको महीने में एक बार ऐसी सफाई करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी मशीन का मेंटेनेंस बराबर रहता है और सालों साल तक ही हमारे इक्विपमेंट ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ कि हमारी वॉशिंग मशीन का मेंटेनेंस कैसे करें। सबसे पहले जब हमारे कपड़े धुल जाए तो मशीन से कपड़े तुरंत ही बाहर निकालें, कपड़ों को अंदर मत रखिए क्योंकि नमी के कारण वो बैक्टीरिया और फंगस चारों तरफ ग्रो करता है जिससे कपड़ों में आपने कई बार महसूस किया होगा कि स्मेल भी आती है। थर्ड पॉइंट है कपड़ों को ल्यूकवॉर्म वाटर से क्लीन करें और इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए हमें वॉशिंग मशीन में बकेट या पाइप से भी पानी डाल सकते हैं। जब हमारे कपड़ों की वॉशिंग कंप्लीट हो जाए तो उसका डिटर्जेंट डिस्पेंसर यूनिट और वॉशिंग मशीन के डोर को ओपन रखें जिससे भी मशीन में स्मेल नहीं आएगी। तो यदि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। और साथ साथ ही यदि आपको वॉशिंग मशीन का रिपेयर या मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई इश्यू है तो हमारी वेबसाइट का नाम यहाँ नीचे चल रहा है सर्विस ऑन व्हील। आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में है। आप कभी भी हमको कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं या मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सर्विस ऑन व्हील। थैंक यू, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो जो है उनको आप टाइम टाइम पर देख सकें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें।